दोस्तों आज तारीख है 15 अक्टूबर 2024 और इस समय मैं हूँ सौरभ भाई के पास। तो जानते हैं आज के आलू की स्थिति क्या है। तो नमस्कार। नमस्कार जी, और साहब क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। बताइए, अब तो भंडारे सब खत्म क्या? अभी चल रहे हैं? हाँ, भंडारे खत्म हो गए। खत्म हो गए तो और बताइए, बिक्री सही चल रही है? हाँ, बिक्री ठीक है। और अभी तो गीला ही आलू अब तो डायरेक्ट? हाँ, गीले यार। तो लोडिंग भी बढ़िया चल रही है? हाँ, लोडिंग तो स्टोरों से चलेगी। अच्छा, आज तबीयत कैसे डाउन है? हाँ, थोड़ा मौसम का चेंज है थोड़ा। अच्छा, सर्दी वगैरह मतलब? हाँ। तो सौरभ भाई, अभी फिलहाल देखो आलू की स्थिति तो ये है कि कोल्ड में भीड़ है बीज वालों की। हाँ, शुरुआत हो गई है बीज निकलने की। अच्छा, तो अब आवक तो कम रहेगी मंडियों में? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ेगा जी। हालांकि कोल्ड वालों ने व्यवस्था कर चुके हैं सब जी, व्यापारियों का भी माल उठेगा क्योंकि महंगा माल है जी। इन्हीं दिनों में यदि माल शॉर्टेज में नहीं उठ पाता है तो फिर बाद में दिक्कत करता है। यानी व्यापारी ने जो महंगा खरीदा वो भी रखा हुआ है अभी? वो भी है, स्टॉक तो रहता ही है व्यापारियों पे, जो काम करने वाले हैं वो तो रहेगा। अच्छा अच्छा, तो व्यापारियों का स्टॉक भी साथ में निकलता रहेगा? बिल्कुल निकलना चाहिए, निकलेगा। निकालेंगे व्यापारी, निकलवाएंगे स्टोर वाले। तो मुझे तो लग रहा है आवक कम हो जाएगी 2-4 दिन में। हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, बीज का भी काम है, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई, अगले साल को माल चाहिए किसान को, यही टाइम है। एक तो मौसम ऐसा हो चुका है, अगेती पिछेती फसल सब एक सी है। अब भी धूप जोर मार रही है। हाँ, गर्मी और इंदौर में तो हाल भी हाल है, फसल बहुत नुकसान। हाँ, इंदौर में जो है बारिश अच्छी खासी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सौरभ भाई, वैसे बिक्री अब तो बढ़िया है अलीगढ़ में, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है, थोड़ा ये धान ज्यादा आने की वजह से थोड़ा जो जाम लग जाता है, आज जाम बहुत लगता है। सुबह 4 बजे से जाम था, 8 बजे जाम खुला। कम से कम 2 किलोमीटर लंबा जाम। जो परदेसी ग्राहक थे बाहर वाले, वो बाहर की बाहर चले गए, सासनी मंडी, हाथरस मंडी, बिल्कुल खैर मंडी, उन्होंने वहाँ का रुख ले लिया होगा क्योंकि यहाँ तो अंदर। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, ये जो फड़िया, इनसे मेरी बात हुई है वैसे, मतलब कैमरे पर नहीं वैसी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अब जैसे धान पे जो ग्राहक आ रहे हैं, मतलब धान पे जो किसान आ रहे हैं, जो लोग कभी आलू नहीं करते वो पूरा का पूरा 10-20 किलो आलू लेके जा रहे हैं धान वाले भैया। आलू आएंगे गाँव में, आलू तेज है अभी। हाँ, बिल्कुल। अभी कच्चा है नहीं है, अब बीज का आलू है वो मीठा बनता है। बिल्कुल, तो ये वाला आलू तेज है, शुगर फ्री वाला, तो वो यहाँ मंडी आ रहे हैं। सौरभ भाई, वैसे कोल्ड में तो देखो बीज का भी तेज है और राशन का भी तेज है, कुछ जगह वैसे हालत खराब है किसानों की, नहीं ज्यादातर सही स्थिति है, ऐसा क्या हो रहा है? अब कुछ जगह वाली स्थिति में आलू कम रह गया है जी, जो आउटर के कोल्ड है उनमें इतना माल नहीं है, जो है ज्यादा वहाँ मद्दा बिकेगा, उससे पूर्ति मंडियों की हो जाएंगी। अब तक जो हो गई हो गई, अब निश्चित बढ़िया किसानों पर बढ़िया कोल्ड स्टोरेजों में आलू का स्टॉक है। तो अभी आलू की स्थिति जैसे आगे की बात करें, तो जैसे अभी कुछ किसान भाई हमारे घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, पता नहीं डाउन नहीं हो जाए, ऐसा लग रहा है आपको डाउन होने की स्थिति? भैया डाउन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छा आलू है। हल्के में थोड़ी दिक्कत आ सकती है जी, लूजिंग बनती है शुगर फ्री में। हाँ, वो तो खैर उसका तो कोई रेट नहीं है, जो लूज हो जाए, किल्ले आ जाए। और जो बढ़िया क्वालिटी के आलू है वो उनमें लग रहा है और उम्मीद है बढ़ने की? बढ़ सकता है, बढ़िया क्वालिटी के आलू। बढ़िया। और जो लो क्वालिटी के वो कुछ भी हो सकता है? लू में ये कुछ होना कुछ नहीं है, निकालने चाहिए किसानों को, लो क्वालिटी रोकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो खैर बोली कैंसिल, वो अच्छे आलू को भी जो है मामला गड़बड़ कर देगी। बोली कैंसिल जरूर हो गई है जी, लेकिन जो है क्या नाम है, बोली किसान को भी पेशेंस कम रहता है जी। हमने अभी कल भी देखा था, एक जगह कोल्ड में बोली बंद थी और फिर डायरेक्ट किसान आ रहा और व्यापारियों को दे रहा, मतलब जबरदस्ती दे रहा है व्यापारी, जबरदस्ती दे रहा, क्या बेचैन हो जाते हैं किसान, बोली बंद हो गई तो आप आलू बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल। बोली आप लोगों की सहूलियत के लिए ही बंद करी है कि आप लोगों का बीज लगना, बीज निकल जाए। बिल्कुल। और जो माल आपको बेच रहे हैं वो सब बिकेंगे। बिल्कुल। और मौका आन दो, वो बोली हर स्टोर वाला ये नहीं चाहता कि बोली बंदों का माल लोग। बिल्कुल। वो तो एक हफ्ता एक दिन नहीं लगाएगा, अगली बोली को लगवाएगा, लगवाने का मतलब ये एक हफ्ते का मैटर है, एक हफ्ते का मैटर है कि रस ना बने। व्यापारी कहता है कि हमारी बोली तो लगवा रहे हो, आप माल निकाल के दो। बिल्कुल। पर पहले किसानों का शीट निकलेगा, आलू खाने का राशन का बाद में निकलेगा। हाँ, ये हमेशा ऐसा होता है, व्यापारी कैसे माल निकालेगा? हाँ, हमेशा ऐसा होता है, पहले किसानों का ही बीज निकलता है, निकलना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण जो है क्या नाम है, बोली एक दो दिन आपकी सहूलियत के लिए ही रोकी गई है, पर उसमें इतनी घबराहट नहीं लानी चाहिए किसानों को। बिल्कुल, मतलब आप घबराहट वाली बात खत्म, बात है नहीं है, और फिर इतना पकड़ के दे रहे हो किसी को, लाव ले में अंतर होता है। बिल्कुल। दोगे तो 10-20 रुपए उसको मदद देना ही पड़ा। बिल्कुल, मुझे भी कई जगह से जैसे खबर मिल रही है कि कोल्डों के मतलब चैम्बर खाली होते जा रहे हैं, जिस तरीके से जो घबराहट होनी चाहिए वो आपको घबराहट वाली बात नहीं है। हाँ, आराम से निकलेगा, इसी घबराहट होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से घबराहट वाला कोई मामला नहीं है, आराम से जैसे बिकेगा आलू निकल जाएगा। बिल्कुल, में निकल जाएगा। तो सौरभ भाई, अभी जैसे अभी ये बीज की निकासी हो रही है अलीगढ़ मंडी में, अभी तो खैर आज गाड़ी कल के पीछे कम गई है,
आज 40 गाड़ी बिलेंस के लगा कर लगभग 130 गाड़ी बैठ रही है दिल्ली में। हाँ। दिल्ली में 130 कल 40 को लगाकर 130 गाड़ी बैठ रही थी। हाँ जी। तो दिल्ली मंडी में अब लग रहा है दो दिन में और गाड़ी कम हो जाएंगी। कम होंगी, यहाँ से हमारे आगरा इगलास जो है क्या नाम है सासनी हाथरस खैर यहाँ बीच का रोज ज्यादा है। जी 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 जी। तो इस वजह से वहाँ पर यहाँ का स्टोर गाड़ी कम पहुँचेंगी। इधर चौड़ोसी की भी कम आ रही है। चौड़ोसी की तो थोड़ी कम आ ही रही है जी, वहाँ भी बीच का ही रस है। तो ये गाड़ी अगर कम होती है तो कुछ दिख रहा है कि सुधार होना तय है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दो चार दिन थोड़ी बिक्री थोड़ी स्लो रही है जी, पर अब भगवान ने चाहिए अब बिक्री ठीक हो जाएगी। और हमारे एलियर में तो डिमांड कब तक रहेगी इस पुराने आलू की? ये तो चलता रहेगा पूरा नवंबर तो है ये पक्का। नवंबर चलेगा 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक चाहिए चाहिए चिप्स और आलू। तो सौरभ भाई अभी अगर मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा गाड़ी गई दिल्ली में और हर जगह मतलब किसान एकदम भगदड़ में आलू बेच रहे हैं घबराहट में, उसके बावजूद भी आलू आज भी वही 50-100 रुपये ऊपर नीचे तो होता रहता है, फिर भी आलू टिका हुआ है? हाँ टिका तो रहेगा, ये रेट कोई ना कम है ना ज़्यादा, ना ज़्यादा है। पूरी साल का एवरेज रेट चल रहा है, 1000 रुपये से शुरू हुआ था आलू बिकना, 950 1000 से बीच में जाके 1200-1300 हो गया था, फिर वो डाउन 1200-1100 हुआ, 1000 हुआ, अब 1000-1000 प्लस चल रहा है। 37-97 चिप्सोना दोनों बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का आज भी चिप्सोना बिक जाएंगे 1000 प्लस। हाँ 1000 प्लस है, 50 ऊपर 75 ऊपर। कोल्डो में तो आपकी मंडी से 50-10-20 रुपये ऊपर ही बिक जाता है बोली पे, वो बिकता है 10-20 रुपये ऊपर आपस का। अब थोड़ा बहुत कंपटीशन हर बिजनेस में बिल्कुल, तो वो व्यापारी में भी कंपटीशन होता है, व्यापारी में भी कंपटीशन है। अच्छा, इसीलिए वहाँ 10-20 रुपये महंगा आप लोग लेते हैं। चलो खैर आज की जैसे अगर पोजीशन की बात करें चिप्सोना की क्या रेट है आज? बड़ी आलू 1075 रुपये। 1075? अच्छा आज 50 किलो। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये घबराहट किस बात की पता नहीं है? अब घबराहट को पता ना क्वालिटी हुआ है, जरूरत और जल्दबाजी बस, 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 कि अब कुछ होने वाला नहीं है जल्दी बेचो। और साल जब तक रोका है इतनी हिम्मत करी है तो थोड़ी हिम्मत और दिखानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1000 पैकेट हैं तो अभी अक्टूबर में कम से कम 15 दिन तो आज पक्के हैं, 1000 पैकेट को 200-200 करके हर 2-3 दिन बाद बेचते हैं, या बोली पे एक बोली लग रही है कुछ कोल्डों में, कुछ लोगों कोल्डों में दो लग रही है, तो उसको डिवाइडेशन करके यानी 1000 पैकेट को 500-500 करके बिल्कुल 15 दिन में बिल्कुल। और अगर एक साथ बेचेंगे तो भगदड़ होगी और व्यापार भी सस्ता रेट लगाएंगे। बस बस। और आलू में घबराहट वाली कोई बात नहीं है, लाल का अंतर है। अब यही तो सोच की बात है किसान की बिल्कुल, भाई अप्रैल मार्च में आलू रखा है, 15 अक्टूबर तक आ गए तुम और उसके बाद अब जो एकदम घबराहट में क्यों आ रहे हो ये समझ? घबराहट में आलू सस्ता हुआ है वैसे, इस साल वैसे सस्ता नहीं हुआ, घबराहट में हुआ जाता है। एक संघ किसानों ने पहले ही सैंपल के सैंपल इकट्ठे कर दिए, 200-250-300 सैंपल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वजह से जब मार्केट नहीं बन पाया तो सर भाई अब जो आपकी जो मतलब बिक्री चली अब तो ये चलती रहेगी लगातार, अब तो बढ़ती रहेगी। अब और क्या, ठंडा मौसम भी ठंडा होता आ रहा है। दूसरी बात ये बताओ, सबसे मद्दा आलू है आज की डेट में? आज भी सब्जी सब महंगी है। अच्छा। हाँ जी, गोभी महंगी है, समझ लो आप जो है क्या नाम है हर सौदा हरा सौदा सब महंगा बिल्कुल। ये भी सही बात तो है। तो आलू से मद्दा भी कुछ नहीं पड़ता, टमाटर 60-70 रुपए सब चीज महंगी है। मैं कह रहा हूँ आलू से मद्दा भी कोई सौदा नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी डर किस बात का आलू में पता नहीं है। अच्छा सौरभ भाई जैसे गुल्ला की बात करें, गुल्ला क्या रेट बिक रहा है चिप्सोना का? गुल्ला अच्छे गुल्ले तो बहुत कमा रहे हैं क्योंकि यहाँ पड़ता नहीं है, बाहर मंडियों में जा रहे हैं। यहाँ मोटा आलू जो हल्का है हल्की रेंज वाला वो 975-1000 बिक रहा है चिप्सोना। अच्छा। और गुल्ले का भी यही रेट है, तो ग्राहक ये कहता है हम गुल्ला इस रेट में क्यों लें जी, जब मोटा हमें मिल रहा है जो है 975-950-975-1025 में, और गुल्ले का असली रेट 1025 तक। अगर बढ़िया टॉप बढ़िया गुल्ला है तो पक्का रेट। कहने का मतलब गुल्ला में भी कोई बताओ 1000 रुपए तक गुल्ला आज भी बिक रहा है, सेम रेट है गुल्ला और मोटे के। अच्छा सौरभ भाई कहीं ना कहीं गुल्ला की शॉर्टेज है। हाँ। क्योंकि गुल्ला आलू इन दिनों में आके डाउन होता है। हाँ। इस बार गुल्ला आलू और ऊपर चढ़ रहा है, शुगर फ्री का गुल्ला बढ़ रहा है, शुगर फ्री के गुल्ला में तेजी है, जूट के गुल्ले में थोड़ी गिरावट है हल्की। हाँ जूट के गुल्ले में गिरावट है, ये कार्ड समझ में नहीं आ रहा हमारे किसान में, बहुत ज्यादा परेशान है। अब पता नहीं क्या कारण है, थोड़ा तो यही कह रहे हैं बिहार में बारिश ज्यादा हो गई है तो वहाँ अभी गढ़ाई के लिए रोज नहीं है। अच्छा अच्छा। तो कानपुर में मंडी ढीली चल रही है, तो शुगर फ्री का गुल्ला ये अभी लग रहा है 15 दिन में जब खत्म हो जाएगा तो फिर जूट का ही चाहिए। अब जूट शुगर फ्री के मार्केट में जूट का नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा। वो चो मोटा खाएंगे नहीं होगा गुल्ला तो। अच्छा। वो भूला हुआ है शुगर फ्री। और इस बार किसान बीज भी नहीं बेच रहे, मतलब जो बोली में बेचते हैं सब गाड़ रहे हैं, टोटल सब गाड़ रहे, गढ़ाई तो करेंगे लोड मिले आलू में। अच्छा ऐसा मिला, ये भी बात है। तो सौरभ भाई वैसे और किसान में क्या रेट रहा आज का? 37-97 मानो बढ़िया आलू 1025 रुपये। 1025 बढ़िया, ये भी 37-97 1000 से ऊपर ही है। हाँ 1000 से ऊपर। अच्छा, तुम्हारी 275 ये वाली ये अच्छा 1300 रुपये बढ़िया भी है। हाँ, बढ़िया किसान का दाम
बिल्कुल किसान का दाम 1300 टाइट मोटी टपक बढ़िया। अच्छा तो मतलब इसके भी रेट कोई मैं तो मुझे तो लग रहा है आज इसमें तेजी है, उस दिन आपने 1250 बताया था। हाँ तो वो क्वालिटी कलर का अंतर है, जो अच्छा कलरदार है 1300 नीचे में 1150 जैसा माल है फिर वैसा। मतलब आज अच्छी क्वालिटी है तो 50 रुपए और ऊपर और बढ़िया क्योंकि अच्छी कम आ रही है। तो आज तो कट्टे काफी कम बचे हैं बिग गेम्स में से। हाँ बिग गेम 40 कट्टे आए थे, ये नौ कट्टे रह गए, 40 में से 9 रह गए, तो फिर बहुत बढ़िया। यही बिकते हैं 25-30 कट्टे बिक पाते हैं इसके डेली। मतलब 30 का मतलब बड़े बड़े लोग लेते हैं यात्रा से, अच्छे दुकानदार हैं जो बढ़िया शहरों में अच्छी दुकानें हैं। जी 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 जी, उनके लिए रखना भी पड़ता है ये। अरे वो चाहिए उसके, इसके साथ दो तरह के तीन तरह के आलू ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो कट पीस वगैरह क्या रेट बिक रही है? कट पीस मानो 600 ना कि 600 से 650। अच्छा और गुल्ली? गुल्ली भी ये 550-600 बढ़िया। तो गुल्ली इस टाइम गुल्ली के हाल तो बेहाल हो जाते हैं, आज भी सही रेट पे करा है। बताओ आलू में कहां गिरावट है? सोना की गुल्ली ना कोई गिरावट कुछ नहीं, ये सब घबराहट की गिरावट हो जाती है। बस बस बस, हल्के पे गिरावट है, हल्के पे गिरावट है। बढ़िया कमा रहा है, हल्का ज्यादा आ रहा है, हल्का जब नहीं बिकता है तो बाजार काट के बेच। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब सौ रुपए सीधी बात ये है कि सुगर फ्री आलू कोई फंसने वाला नहीं है। हल्के में 50 आलू तो कोई नहीं फंसेगा, फसला ना फसला कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको जिम्मी बताई थी कोल्ड स्टोर इतने हो गए आकलन नहीं पता कितना माल है या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आलू अभी 15 दिन ये और 15-30 नवंबर तक एक महीना पूरा है, 45 दिन बल्कि अभी पूरा पुराने आलू पर चलेगा। चाहिए चाहिए अलीगढ़ में तो पुराने से ही चलेगा 45 दिन। तो फिर हो गया काम, आलू बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात अलीगढ़ में। अब बाहर NCR का 15 नवंबर तक, उसके बाद भी चाहिए ही पुराना। खेल वैसे सौरभ भाई आपकी तबीयत वैसा खराब है लेकिन बात में दम है, समझ रहे हो? तब आज आपके उस तरीके से दम नहीं है लेकिन आपकी बात में आज दम लग रहा है। हाँ। और बहुत बढ़िया है क्योंकि ये एक तरह की ऊर्जा है, किसान इस समय घबरा रहे हैं तो वो घबराए ना आराम आराम से। घबराने वाली अच्छे आलू में तो स्थिति है नहीं, घबराने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हल्का माल है उसे अपने हल्का माल। और हाइब्रिड वाले किसानों के लिए क्या बोलना? बेचो बेचो, हाइब्रिड तो बचा ही नहीं होगा, अब हाइब्रिड भी बिक रहा है। अच्छा, हाइब्रिड की भी थोड़ी बहुत जो है मांग पंजाब साइड से थोड़ी बन गई है। तो, अरे पंजाब में तो तेजी उल्टा, पंजाब में तो डायमंड आलू 1250-1300 से 1150 है डायमंड पर, यहाँ हमारे यहाँ का जो हाइब्रिड 700-750 बिक रहा है। होशियारपुर की मंडी में अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है 1250 रुपए बिका आज डायमंड। हाँ डायमंड, डायमंड बिक रहा है स्टोरों पे 1150 रुपए की पोजीशन डायमंड की है, फिर भाड़ा मंडी लगा के 1250 रुपए में। हमारे यहाँ सस्ता होगा डायमंड, वहाँ उनकी डिमांड है। वो डायमंड वहाँ मुँह लगा हुआ है, जैसे लगा हुआ है वहाँ डायमंड, पंजाब में और उत्तराखंड में डायमंड मुँह डायमंड ही चाहिए, वो डायमंड की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारे यहाँ का कुछ आलू, हमारे यहाँ का हाइब्रिड आलू जो हल्की रेंज का है वो कट शर्ट बन के पंजाब साइड जम्मू साइड जाने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए किसान भाइयों आलू भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है और डायरेक्ट कट्टे उठ रहे हैं और इसकी भी डिमांड 275 वैराइटीज़ की भी काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे, लेकिन कम ही पैकेट बिक पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।